छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों की सूची में से 9 विधायकों और एक पूर्व मंत्री का टिकट काटा गया है। सरगुजा संभाग में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का विरोध करने वाले रामानुजगंज से बृहस्पत सिंह का टिकट काट दिया गया। वहीं मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का भी टिकट काटकर उप मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। खबरों की माने तो विनय जायसवाल भी उप मुख्यमंत्री के खिलाफत करने में पीछे नहीं हटते थे। इसके अलावा बैकुंठपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक अंबिका सिंहदेव की सीट को भी होल्ड किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के जिन 18 विधायकों को विधानसभा चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनके खिलाफ कमजोर जनाधार और सर्वे सबसे बड़ा कारण रहा। सरगुजा संभाग में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से पंगा लेना 3 विधायकों को भारी पड़ गया। पार्टी ने 3 विधायकों का टिकट काट दिया है। 18 विधायकों को बाहर करने में सियासी समीकरण भी शामिल रहा। पार्टी के प्रभावशील नेताओं की ओर से भी कमजोर जनाधार वाले विधायकों के बारे में फीडबैक लिया गया। सिंहदेव के प्रभाव वाले सरगुजा संभाग में 3 विधायकों का टिकट काटना आसान नहीं था, लेकिन संगठन ने बड़ा निर्णय लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन 3 विधायकों का संगठन से दूरी और वरिष्ठ नेताओं के लिए अपमानजनक व्यवहार पर नाराजगी भी जताई थी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले काफी मुखर विधायक बृहस्पत सिंह, सामरी विधायक चिंतामणि महाराज और मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट काटा गया है। बता दें ये 3 विधायक खुलकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का विरोध कर रहे थे। बृहस्पत सिंह ने तो सीधे तौर पर सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगा दिया था, जिससे छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया था। चिंतामणि महाराज भी सिंहदेव का विरोध कर रहे थे। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कई आयोजनों में बतौर मुख्य अतिथि बनकर शामिल होने के बाद भी सिंहदेव का विरोध किया। यही कारण है कि इन 3 विधायकों के लिए साल 2023 का चुनाव भारी पड़ गया। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में प्रतापपुर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम काफी कमजोर साबित हो रहे थे। शिक्षा मंत्री रहते विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी विवादों से नाता रहा। वर्ष 2018 का चुनाव उन्होंने सरगुजा संभाग में सर्वाधिक मतों से जीता था। उन्हें पहले मंत्री पद गंवाना पड़ा, इसके बाद उन्हें टिकट से भी हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर प्रेम साय सिंह सरगुजा राज परिवार यानी टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में टीएस सिंहदेव का दबदबा रहा। तो सरगुजा संभाग से इन 3 विधायकों की टिकट काटी गई है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।